इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड. यूके को भी बीच कर दिया गया है. यारी समझ गई. इंडिया प्रेफरेंस बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए. और यस, ये चीज़ जायज़ भी है और वाजिब भी है, बिकॉज अगर देखा जाए तो इंडिया स्टार्ट से ही, ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले भी देखें तो वो एक प्रेफरेंस था. उसको एक सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था. क्यों कहा यार? देखें ना, उधर के ना माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अब हमारी तरह थोड़ी हैं, अब हम एक ही जगह के हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर फेंक देते हैं. ये इसलिए कि इंडिया, जो इंडियन आवाम है वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है एक तो, और दूसरा ये है कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपना नहीं सोचते. तो जी, पाकिस्तान की लड़कियों से जानने वाले हैं कि पाकिस्तान इतनी पीछे क्यों जा रहा है और इंडिया ने फिफ्थ गियर लगा के ऐसी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान पीछे जा रहा है. पाकिस्तानी लड़कियां बहुत दुखी है भाई. अब वो खुद बताएंगी कि इसका रीजन क्या और कैसे पाकिस्तान ठीक हो सकता है. तो चलिए जान लेते हैं. इंडिया इज बिकमिंग अ प्रेफरेंस फॉर द होल वर्ल्ड. आपके ख्याल में ऐसा क्यों? Because of their stability, because of their economy, because of their working, because of their hard working, because of their government, because of their youth, because of their ID, education, everything. Because they are stable. ठीक है. अच्छा सभा, आज हम आपसे एक सवाल करेंगे और वो ये है कि इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है पूरी दुनिया की. इसके बारे में हम आपसे ये पूछेंगे. उसके साथ साथ अगर हम देखें तो गल्फ कंट्रीज़ का रुझान भी इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है. यूएई ने 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की है. बहुत सारी न्यूज़ जो आ रही है इंडिया की तरफ से, डेवलपमेंट बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड, आइडियाज़ बेस्ड. आखिर हम कहाँ लाए कर रहे हैं और इंडिया इतना आगे कैसे चला? वी आर ऑन रिवर्स गियर एंड इंडिया इज़ ऑन उन्होंने फिफ्थ गियर दे दिया हुआ और हम लोग रिवर्स गियर पर हैं. हम लोग बैकवर्ड गियर की तरफ जा रहे हैं. हम लोगों का गियर जो है वो बैकवर्ड गियर हो गया हुआ है. हम लोग तरक्की की राह की तरफ से जाने से बजाय अपोजिट साइड पर जा रहे हैं. अगर हम लोग, अगर हमारी यूथ, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग करे तो मे बी कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं. ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इंडिया में जो है यूथ को बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट किया जाता है. डेफिनेटली इसी वजह से जो है इंडिया ने इतना ग्रो किया है. अगर इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है तो उसके अंदर इंडिया के हर एक जो है बंदे का, हर एक उसके जो नेशन का इंडियन है उसका क्रेडिट जाता है. तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा नज़र नहीं आता. इंडिया ने आखिर किस तरह से अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया? हर्डल सबको फेस करनी पड़ती हैं, सबको ऑब्स्टेकल्स आती हैं. सभी जो हैं वो अपने काम के अंदर जो है वो हर्डल्स फेस करते हैं. बहुत ज़्यादा इंसान कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा. इसी तरीके से इंडिया की बात कर रही हूँ. इंडिया ने भी कभी कभी ऐसे सोचा होगा कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन जो है वो क्रिएट किए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ. उनकी फॉरन पॉलिसी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और ज़बरदस्त तरीके की है. वो किसी के रिलाई नहीं है. हम लोग जो है वो रिलाई नहीं भी हैं, लेकिन हम लोग रिलाई ना होने के बावजूद भी हम लोग इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि वी आर रिलाई फॉर अमेरिका, फॉर रशिया, फॉर कभी किसकी तरफ और कभी किसकी तरफ रिलाई जो हम लोग कर लेते हैं. यूनाइटेड किंगडम को जो है बीट किया गया है. यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन और इंग्लैंड को बीट किया गया है. क्या ये एक छोटी सी न्यूज़ है? ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है. इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए हम अभी मेरे ख्याल से 10 साल पीछे हैं. अगर हम लोग इस अचीवमेंट की बात करें अपने बींगे ह्यूमन, मैं पाकिस्तानी अगर बात करूँ तो हम लोग बहुत पीछे हैं इससे. अगर हम लोगों को ये अचीवमेंट हासिल करनी है तो वी हैव टू हार्ड वर्क, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को. ये इसलिए है कि इंडिया, जो इंडियन आवाम है वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है एक तो, और दूसरा ये है कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपना नहीं सोचते. जो हमारी पाकिस्तानी आवाम को देख लें आपके, वो अपना ही सोचते हैं और मुल्क का नहीं कुछ सोचते. अब चाहे पॉलिटिशियंस को देख लें और मतलब कि किसी को भी देख लें, हम खुद को भी देख लें, तो मेरे ख्याल में अपना ही सोचते हैं, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा अभी तक. तो इसलिए इंडिया ठीक है. ऐसे ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन इंडिया ने अपनी इकॉनमी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है कि वो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बनकर सामने आ चुका है. इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया जो है कितना उसने अपनी अपनी जो हर्डल्स हैं, अपनी ऑब्स्टेकल्स हैं, अपनी ड्रॉबैक्स पर कितना काम किया जिसकी वजह से इंडिया इतना आगे जा चुका है? यूके को इंडिया ने जो है वो बिल्कुल, उसने इंडिया ने स्ट्रगल किया एक तो, और जाहिर सी बात है जब आप स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ के पीछे आपको उसका सिला तो मिलता है, और वो नज़र आ रहा है कि इंडिया ने किया है. और पाकिस्तान में आप देख लें, कुछ भी कोई भी आ जाए तो लोग अपने ही सोचते हैं. अब जैसे पाकिस्तान में अब 14 अगस्त का दिन था तो देखा जा रहा था कि लोग बाजे लेके निकले हुए थे और बाइक्स मतलब स्लंसर उतरवाए हुए थे और अजीब माहौल बनाया होता है. तो पाकिस्तानी आवाम को भी चाहिए कि अपना इस बारे में, अपने मुल्क के बारे में भी सोचे और अपने मुल्क के आगे तरक्की की तरफ जाए. सही है. अच्छा, आपसे ऐसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी कोई भी पॉजिटिव साइन, कोई उम्मीद की किरण हमें नज़र नहीं आती है कहीं से भी ना. तो आपके ख्याल में किस तरह से हम लोग अपने पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा है ना और इसको हमने ही बेहतर बनाना है, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये हो सकता है कि सारे जितने भी पीटीआई है, ये नून लीग है, इनको छोड़ के अपने खुद स्ट्रगल करना स्टार्ट करें, किसी पार्टी के पीछे ना जाएं, टाइम वेस्ट ना करें. आप देखें जलसे हो रहे हैं तो आवाम वहाँ पे पहुँची हुई है, पीटीआई को हो रहा है, मतलब दोनों पार्टियाँ आपस में एक दूसरे को लड़वा रही हैं. मतलब हम तो पाकिस्तानी हैं ना, हमें मिलकर रहना चाहिए और अपने मुल्क को खुद आगे लेके जाना चाहिए. यार देखें ना, उधर के ना माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अब हमारी तरह थोड़ी हैं, अब हम एक ही जगह के हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर फेंक देते हैं. वहाँ का माहौल बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है. अब क्यों बेहतर है? क्योंकि देखें ना, अब वहाँ के लोग अपने आप को साफ रखना जानते हैं, उधर के लोग वेल एजुकेटेड हैं.
हमें देख लें वेल एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे 10वीं पास नहीं होती लड़के काम पे लग जाते हैं, 10वीं पास होती है तो जॉब्स नहीं होती, अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो कोई जॉब नहीं मिलती है इन लोगों को। अब वहाँ पे देखें अगर मैं अगर फर्स्ट समझ लेके अगर मैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर में हूँ ना तो मैं फर इंग्लिश बोलूँगा। अब यहाँ पे देख लें 10 साल से पुरानी ऑक्सफोर्ड चल रही है और वहाँ पे हर 2 साल बाद उन लोगों की बुक्स चेंज होती हैं, इस वजह से वो फील्ड में वो हर फील्ड में हमसे बहुत आगे। उधर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उधर आगे, वहाँ पे उन लोगों ने एक जगह को टैक्स फ्री किया होगा, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, उन लोगों ने जो चीज़ करनी है वहीं पर करनी है। अच्छा मुलमान, आपसे एक और सवाल मैं ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, यूके से जो है इंडिया ने अपनी इकॉनमी को बीच कर दिया है और इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है पूरी दुनिया के अंदर, तो इस चीज़ को कैसे देखें ना? अब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है यूके के साथ, जैसे आपने भी कहा वो डॉलर उनकी प्राइस भी अब पहले हमसे 1 रुपया मतलब कि पहले हम बराबर थे 1 रुपये, अब वो 2 रुपये पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अब देखें कोई ममालिक तरक्की करेगा उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उसका GDP बढ़ेगा, उसकी हर चीज़ बढ़ेगी, उधर के जो टैक्सेस वगैरह वो कम होंगे, इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, जब वहाँ पर इन्वेस्ट होगी एक चीज़ लोगों को जॉब वगैरह मिलेगी, वहाँ पर जॉब वगैरह करेंगे, वो जो जॉब करेगा वो अपना काम डाल के बैठ जाएगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर अगर कोई आता है इन्वेस्टर तो 3 साल वो धक्के खाएगा, ठीक है? अगर उसने एक बिल्डिंग बनने के लिए दे देंगे 3 साल उसके पूरे नहीं होने ना, बिल्डिंग तरमीर होनी है, अगर बिल्डिंग तरमीर हो भी जाती है 4 साल में तो उसके बाद जो उसने अंदर फर्निश करना तो वो नहीं होगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान इसके, हमारे मुल्क में 22 करोड़ आवाम है, अगर हुक्मरानों को हम निकाल भी दें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान आगे बढ़े? देखें अगर हम यहाँ पे रोड पे निकलाते हैं तो पहले तो लाठीचार्ज होता है, अगर लाठीचार्ज किया गया हम टिक भी जाते हैं तो हमारे पे केसेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। अब देखें ना यहाँ पे हुक्मरानों ने अपना जोर लगाया हुआ है, थोड़ी देर पहले इन लोगों ने नवाज शरीफ को जब उतारा तो कितने हंगामे हुए थे, इमरान खान साहब भाई 3 साल लोगों ने पूरे नहीं किए, 5 साल पूरे करते तो मे भी अगर वो गलत कर रहा था तो आगे उसको लोग ना लेके आते। अब देखिए 3 साल उसने पूरे नहीं किए, इस टाइम वो सच्चा होकर बैठा हुआ है, अगर 3 साल पूरे करने देते जो आज हमारा ये आज ये हाल होता शायद उसके ऊपर हो रहा था। इंडिया प्रेफरेंस बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए और यस ये चीज़ जायज़ भी है और वाजिब भी है, बिकॉज़ अगर देखा जाए तो इंडिया स्टार्ट से ही, ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले भी देखें तो वो एक प्रेफरेंस था, उसको एक सोने की चिड़िया गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कल्चर के लिहाज से बहुत रिच थी और टूरिज़म के लिहाज से बहुत रिच थी, और अब भी अगर देखा जाए तो वो एक सेकुलर स्टेट है और वहाँ पर हर कल्चर को हर रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और अगर आप कोई भी हॉलीवुड की मूवी उठा के देख लो तो उसमें इंडिया का नाम लाजमी वो मैंशन करते हैं। उसका वजह ये है क्योंकि वो लोग एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और वो प्रेफर करते हैं कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, हम खुद से वो चीज़ें अपनी कंट्री में क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे चाइना करता है और बाकी भी और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ये प्रेफर करती हैं कि भाई हमारी चीज़ हमारे ही मुल्क में रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में ही बननी चाहिए। और इनफैक्ट अब तो उनके जो CEOs हैं काफ़ी इंटरनेशनल मल्टी कंपनीज जो हैं उनके भी CEOs एक इंडियन ही हैं, और अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन लड़की है, वो इस वजह से है क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हमारी गवर्नमेंट तरह नहीं होती है वो कि 5 साल एक हुकूमत ने गवर्नमेंट की है तो जब नई गवर्नमेंट ने आना है तो उसने वो चीज़ें उठा के बदल देनी है और अपनी चीज़ें वहाँ पे आयद कर देनी है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट बदल भी जाए तो वो अपने जो उन्होंने क्या कहते हैं कि बनाए होते हैं वो उनको आगे लेके चल रहे होते हैं, फॉलो करते हैं, वो ये नहीं कहते कि भाई उसकी गवर्नमेंट गई है तो बाहर में जाए हम नेक्स्ट वन अपनी नई चीज़ें ऐड करते हैं। तो जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, उन पर ट्रस्ट डेवलप हुआ है और इस वजह से वो उस ट्रस्ट को देखते हुए आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के लोगों पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑफ कोर्स अगर हम, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक हो गया, उनकी आबादी के लिहाज से भी देख लें आप लोग, यहाँ वैसे भी देख लें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका कल्चर, आई थिंक सो पीपल लव देयर कल्चर, चाहे वो साउथ इंडिया का देख लो चाहे वो नॉर्थ इंडिया का देख लो, लोग कल्चर के पीछे पागल हैं उनके। ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है असित्रा, आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन अगर हम कल्चर को एक साइड पर भी रख दें तो इंडिया जो है वो अपनी ट्रेड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर और अपने जो है IT के अंदर और एजुकेशन के अंदर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ जो है एक अट्रैक्शन बन चुका है। ठीक है, इंडिया की अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख ले तो वो वर्ल्ड वाइड जो है उनको जो है ट्रस्ट किया जाता है, तो आपके ख्याल में इंडिया ने ये ट्रस्ट कैसे डेवलप किया और इंडिया ने कितनी ऑब्स्टेकल्स, इंडिया ने भी बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स देखी हैं, ऑफ कोर्स हर कंट्री जो सी होती है उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपने आप को एक पोजीशन पर लाने के लिए, और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, फ्लॉज भी होते हैं, उन्होंने उन सारे ड्रॉबैक्स को, उन फ्लॉज को ओवरकम किया है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर देखा जाए तो जब इंडिपेंडेंस हुआ है ना तो सबसे ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस जो फॉरनर्स वहाँ पे बना के गए हैं इंडिया के हिस्से में आए हैं, और आज तक वो दे आर कॉल्ड बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अगर देखा जाए तो वही स्कूल्स, वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेजेस अपने उन पुरानी चीज़ों से लेकर अब तक लोगों को वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख लें कि वहाँ के जितने भी रिलेटेड IT से लोग रिलेटेड हैं, चाहे वो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस वहाँ से निकले हैं, वो इन्हीं स्कूल से पढ़े हुए हैं। सही है। अच्छा सिद्रा, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये वतन तो हमारा है और हम ही ने सोचना है और हम ही ने आगे लेकर चलना है, तो हम अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं?
हम अपने वतन के लिए यही कर सकते हैं कि जब तक हमारी हम तभी कुछ कर पाएंगे जब हमारी अपनी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जब हमारी गवर्नमेंट को पता होगा कि भाई हमारी आवाम है, हमारे अलावा भी कुछ लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर और हमें उनको देखना है, उनको आगे लेके जाना है। हमने तो मार खप जाना है, हमारे आने वाली बात की जो नस्ल है उसने मुल्क को संभालना है। हम मोनार्की छोड़ दें, हम टोटली एरिस्टोक्रेसी को दिमाग से निकालें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री में हम लोग रहते हैं, तो हर किसी के ओपिनियन मैटर करता है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो जैसे इन्होंने एक क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की हद रखी हुई है कि इतना को प्राइम मिनिस्टर, पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखो, उसका देखो कि वो कितना फोरसाइट है, कितना अच्छा सोचता है अपने मुल्क के लिए, तभी कुछ बन सकेगा। क्योंकि देखें कि इंडिया को अगर देखे जाए तो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत फोरसाइटेड होते हैं, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में वो कहते हैं जाने दो, जो हो गया सो हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर उनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती, तब तक हमारे लोग स्टेबल नहीं हो सकते। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल होगी हमारे लोग, हमारी इकॉनमी सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच सिद्रा, हमारे साथ ही उनसे बात की जा रहा है, उनका ओपिनियन। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, आप नादल हमारे यूट्यूब चैनल को दे इजाजत, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता भाई, पाकिस्तान स्टेबल कैसे हो सकता है, बिन पैन का लोटा भाई, जहाँ पे उसको कुछ मिलता है वहीं पर घिर जाता है, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, अफगानिस्तान के पास, भाई बांग्लादेश के पास भी भीख मांगने पहुंच जाते हैं, ऐसा देश है पाकिस्तान। बाकी वही पाकिस्तान की लड़कियों ने बिल्कुल सच बोला भाई, इंडिया बहुत ऊपर जा चुका है और इंडिया का फिफ्थ गियर लगा हुआ है भाई, और पाकिस्तान का किसी ने रिवर्स गियर डाल दिया, पाकिस्तान को लग रहा हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता भाई तुम पीछे जा रहे हो। ये बात कुछ कुछ पाकिस्तानियों को समझ में आ गई है, लेकिन कुछ को नहीं आई है भाई, शायद आ जाएगी थोड़े दिनों बाद, जब इनका कंगाल हो जाएगा, जब पिकने का होगा ना पाकिस्तान, बोलेंगे भाई घर खाली कर दो, इसमें चाइनीज रहेंगे क्योंकि हमने कर्जा लिया था बिक चुका है। ये हालात पाकिस्तान में हो सकते हैं बहुत ही जल्दी यार, और सॉरी आप इसके बारे में क्या राय रखते हो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दिया करो, और भाई आप लोग कमेंट करो, हमें एक कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है कि आप लोग क्या वीडियो देखना चाहते हो, किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, कैसे मिले भाई, मतलब जहन्नुम से लेके आएंगे आप लोगों के लिए वीडियो, तो आप पहले कमेंट करो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे नीचे हमारे पास कि आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, फिर हम वैसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है nsc.media करके, और हमसे कुछ बातें करनी हो, कुछ सलाह देनी हो तो मैसेज कर सकते हो। मिलता हूँ जी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।